शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, दीक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत सीखने के लिए बातचीत कोर्स नंबर 1 ध्यान आकर्षण मॉड्यूल पर आधारित यह आकलन प्रश्नोत्तरी असेसमेंट सभी शिक्षकों, चाहे प्रधान अध्यापक महोदय हों या सहायक अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक या शिक्षा मित्र अनुदेशक, सभी साथियों के लिए यह 31 अगस्त 2021 तक 6 कोर्स पूर्ण करने अनिवार्य हैं। और साथियों, इसकी वीडियो की लिंक आपको सभी कोर्सों की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वन बाय वन सभी कोर्सों को 31 अगस्त के पहले पूर्ण कर लें। यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें, साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में आल को सेट कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, देखते हैं कोर्स नंबर 1 सीखने के लिए बातचीत की आकलन प्रश्नोत्तरी। साथियों, पहला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में मददगार व आपसी संबंध स्थापित होगा, नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। प्रश्न पूछना तकनीक से शिक्षण अधिगम सामग्री सभी को शामिल करना सीखने के लिए बातचीत। बच्चों को सीखने में मददगार व आपसी संबंध स्थापित होगा सीखने के लिए बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में बातचीत के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करते हैं खेलों के माध्यम से, और इसको साइड में जो रेड एरो दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे ताकि ये क्वेश्चन पूरा ओपन हो जाए। तो खेलों के माध्यम से, ग्रिड गेम आधारित, गणितीय आंकड़ों से, क्वेश्चन आवर में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। इनमें से कौन कौन से जो है गतिविधियों का आयोजन करने में सहायक होते हैं कक्षा में बातचीत करने। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्रमशः चारों गतिविधियों में सहायक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, बातचीत से बच्चों को अपनी आपसी चर्चा करने का मौका मिलता है। बातचीत नीरस, इसको एरो को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, नीरस व बोझिल हो, विषय वस्तु आधारित बातचीत हो, कमजोर बच्चों के प्रति विशेष सावधानी हो, शिक्षक के रूप में आपको अपने कक्षा शिक्षण के दौरान ऊपर दिए गए किन किन बिंदुओं को करना चाहिए, नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर साथियों, इसमें तीसरा ऑप्शन है 1, 3 और 4, ये बिंदु आपके सही हैं। एक शिक्षक बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं, नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। अक्षर पर पाठ में गोला लगवाना, बच्चों की कॉपी में लिखवाना, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना, बच्चों को बारी बारी से अक्षरों को अच्छे से रटाना। एक शिक्षक बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं, कौन सा विकल्प इसमें सही है, सीखने के लिए बातचीत, शिक्षक व बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान जिस शिक्षण तकनीक से करते हैं वह तकनीक कहलाती है, परियोजनाकार सभी, ये आपका सीखने के लिए बातचीत। एक शिक्षक कक्षा के दौरान बच्चों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हुए वे बच्चों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछते हैं और बच्चे भी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं, इस प्रकार के क्रियाकलाप, एरो बटन को प्रेस करेंगे। कक्षा में केवल बच्चों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी, बच्चों के अंदर अनुशासन आएगा, शिक्षक व बच्चों के बीच एक संबंध बनेगा, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी, एरो बटन को प्रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रहें, बच्चे आपस में बातचीत करें, एरो बटन को ओपन करेंगे, शिक्षक बच्चों से ज़्यादा बातचीत करें, बच्चे क्रियाशील रहें। अब शिक्षक को सदैव क्या प्रयास करना चाहिए, ये 1, 2 और 4, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विद्यालय में शिक्षक निम्नलिखित कार्य करते हैं, बच्चे शिक्षक की बातों को दोहराते हैं, शिक्षक बच्चों को जोड़ी में बात करने का मौका देते हैं, बच्चों के अनुभवों को सुनना व साझा करने का अवसर देते हैं, शिक्षक ही केवल प्रश्न उत्तर करते हैं, नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें।
ये 1, 3 और 4 कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। पहला, बच्चे शिक्षक की बातों को दोहराते हैं। तीसरा बिंदु, बच्चों के अनुभवों को सुनना व साझा करने का अवसर देते हैं। चौथा, शिक्षक ही केवल प्रश्न उत्तर करते हैं। यहाँ पर 1, 3 और 4 दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी विषय में बच्चों से बातचीत करने से होता है सीखने की क्षमता का विकास, आपसी झिझक दूर होती है, सीखने में मदद नहीं मिलती, समूह भावना का विकास होता है। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुने, 1, 2 और 4 सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। ये साथियों 10 क्वेश्चन हमने किया और टोटल क्वेश्चन 10 थे और टोटल जो हमने आंसर दिए 10 क्वेश्चनों किया और एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया यानी छोड़ा नहीं है। अब इसको हम सबमिट करेंगे साथियों, सबमिट बटन जो राइट साइड पे है। रिव्यू नहीं करना है, रिव्यू तब करना है जब आपको डाउट लगे, वापस आप क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहें प्रश्नोत्तरी को, तो उसके लिए रिव्यू करना है, अदरवाइज सबमिट कर देंगे। सबमिट करें, करने के बाद 10 आउट ऑफ 10 मतलब 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हुए। अब हम यहाँ से एग्जिट को प्रेस करेंगे और बाहर हो जाएंगे, तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट कोर्स के लिए साथियों हमारा वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपको प्रश्नोत्तरी मिल जाएंगी और वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ आपको सभी कोर्सेज की लिंक मिल जाएंगी। वहाँ से आप 1 बाय 1 6 कोर्स कर सकते हैं और 31 अगस्त तक यह कोर्स कंप्लीट करने हैं। तो साथियों नए वीडियो के साथ मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।